अस्सलाम वालेकुम। 120 गज का बहुत ही खूबसूरत मुनासिब कीमत में घर जिसकी डायमेंशन 24x45 है, लोकेशन सादी टाउन मलीर कैंट कराची है। फ्रंट एलिवेशन आप देख रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो फ्रेंड चैनल पे पहली दफा विजिट कर रहे हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मेन गेट से एंटर होते हैं कार पोर्च में तो राइट साइड पे स्टेयर फर्स्ट फ्लोर की हैं, बिल्कुल सामने मेन एंट्रेंस डोर और ये मेरे लेफ्ट साइड पे ड्राइंग रूम का डोर है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना है और बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, कमेंट्स भी ज़रूर करना है। ये मैं आपको कार पोर्च का सीलिंग डिज़ाइन दिखा रहा हूँ। इस कार पोर्च में आप छोटी गाड़ी आसानी से खड़ी कर सकते हैं। स्टेयर्स के नीचे पाउडर रूम है, राइट साइड पे आप वो भी देख रहे हैं। तो चलते हैं, ड्राइंग रूम से एंटर होते हैं। एंटर होते हैं, सामने वॉल पे बहुत ही प्यारा वॉलपेपर आपको नजर आ रहा है और राइट साइड पे डोर है, टीवी लाउंज की तरफ ओपन होता है। ये दूसरे एंगल से दिखा रहा हूँ, विंडो सामने मेन रोड की तरफ ओपन होती है और ये ड्राइंग रूम का बहुत ही प्यारा सीलिंग डिजाइन। इस घर की डिमांड 1 करोड़ 50 लाख रुपए है। ये फ्लोर इसका देख रहे हैं ड्राइंग का। एंटर हुए हम टीवी लाउंज में, तो जैसे ही एंटर होते हैं सबसे पहले मैं आपको प्लान दिखा दूं। मेरे लेफ्ट साइड पे एलईडी पॉइंट बना हुआ है, इस तरह मेरे बिल्कुल सामने दो बेडरूम्स हैं, उनके डोर आपको नजर आ रहे हैं और मेरे राइट साइड पे ओपन किचन है, बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न किचन बना हुआ है। और ये आप टीवी लाउंज का सीलिंग डिजाइन देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सीलिंग डिजाइन है। इसके अंदर बहुत ही प्यारा फानूस लगा हुआ है, सामने एलईडी पॉइंट है और ये इसका फ्लोर। ये मैं आपको किचन का फुल व्यू दिखा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत सीलिंग डिजाइन और इसके अंदर भी छोटा सा फानूस आप देख रहे हैं। ये मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें किचन कैबिनेट्स, और कैबिनेट्स के दरमियान बहुत ही प्यारी टाइलिंग। इसी तरह आप स्लैब भी देख रहे हैं। ये विंडो कार पोर्च की तरफ ओपन होती है राइट साइड पे जो है। ये एंटर हुए फर्स्ट बेडरूम में, सामने वॉशिंग एरिया का डोर और राइट साइड पे अटैच बाथ। ये दूसरे एंगल से जहां से हम एंटर हुए उसके साथ ये वार्डरोब वॉल पे, वॉल के अंदर दी गई है वार्डरोब और ये इसका सीलिंग डिजाइन। बहुत ही सिंपल और यूनिक सीलिंग डिजाइन है इसका। ये वार्डरोब आपको दोबारा दिखा रहा हूं और ये फ्लोर। एंटर हुए अटैच बाथ में तो सामने वेंटी आती है, इसके साथ कमोड और ये सामने शावर एरिया। इस शावर एरिया की पार्टीशन की गई है। तो चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। तो जैसे ही हम सेकंड बेडरूम में एंटर होते हैं बिल्कुल सामने विंडो है जो कि बैक स्पेस में ओपन होती है, उसके साथ अटैच बाथ और ये दूसरे एंगल से आप देख रहे हैं। ये इसका सीलिंग डिजाइन, बहुत ही प्यारा सीलिंग डिजाइन। और ये सामने डोर जहां से हम एंटर हुए और ये फ्लोर, ये आ गया इसका अटैच बाथ, इसकी वेंटी और उसके साथ ये कमोड राइट साइड पे और ये इसका शावर एरिया। चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। जैसे हम ऊपर आते हैं स्टेयर्स के बिल्कुल साथ आप देख रहे हैं टीवी लाउंज का डोर और ये आगे ड्राइंग रूम का डोर आ गया। ये दूसरी साइड से दिखा रहा हूं आपको, ये स्टेयर्स जा रही है सर्वर रूम की तरफ और ये फ्रंट एलिवेशन का व्यू, बहुत ही खूबसूरत व्यू है सामने। और ये आ गया इसका सीलिंग डिजाइन, टेरेस का बहुत ही खूबसूरत सीलिंग डिजाइन है। इसके अंदर बहुत ही प्यारा फानूस भी आप देख रहे हैं लगा। और ये आ गया फ्लोर। तो एंटर होते हैं ड्राइंग रूम से, जैसे एंटर होते हैं सामने वॉल पे बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर और राइट साइड पे टीवी लाउंज है। अगर आप सेपरेट करना चाहे तो पार्टीशन कर सकते हैं। दूसरे एंगल से दिखा रहा हूं, सामने विंडो है जो कि
फ्रंट की तरफ ओपन होती है। और ये आ गया इसका सीलिंग डिजाइन, बहुत ही खूबसूरत सीलिंग डिजाइन है ड्राइंग का। और ये आ गया फ्लोर। तो एंटर होते हैं टीवी लाउंज में। लेफ्ट साइड पे मेरे एलईडी पॉइंट है, बिल्कुल सामने दो बेडरूम्स हैं और मेरे राइट साइड पे ओपन किचन है। ये एलईडी पॉइंट आप देख रहे हैं और ये आ गया इसका सीलिंग डिजाइन। इसके अंदर भी आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा फानूस लगा हुआ है। और ये आ गया फ्लोर। ये ऊपर किचन का फुल व्यू दिखा रहा हूं और ये इसका सीलिंग डिजाइन। इसके अंदर भी बहुत ही प्यारा छोटा सा फानूस, जूम करके भी आपको दिखा देता हूं। ये आप देख रहे हैं किचन कैबिनेट्स। इस तरह कैबिनेट्स के दरमियान बहुत ही प्यारी टाइलिंग और नीचे स्लैब भी आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत। तो राइट साइड पे आप विंडो देख रहे हैं जो कि टेरेस की तरफ ओपन होती है। चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। जैसे ही हम थर्ड बेडरूम में एंटर होते हैं बिल्कुल सामने विंडो आती है जो कि बैक स्पेस में ओपन होती है। और उससे आगे आप देख रहे हैं अटैच बाथ का डोर, ये दूसरे एंगल से जहां से हम एंटर हुए वो डोर। और ये वार्डरोब, वार्डरोब वॉल के अंदर दी गई है, बहुत ही खूबसूरत वार्डरोब बनी हुई है। और ये आ गया इसका सीलिंग डिजाइन, बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा सीलिंग डिजाइन है इसका। और ये आप फ्लोर की टाइलिंग देख रहे हैं। तो चलते हैं अटैच बाथ की तरफ। ये सामने आ गई हमारी वेंटी, उसके साथ कमोड और ये आगे शावर एरिया। शावर एरिया सेपरेट किया गया है ग्लास लगा के। ये इसका सीलिंग। ये हमारा लास्ट बेडरूम, बिल्कुल सामने विंडो बैक स्पेस में ओपन हो रही है, उसके साथ अटैच बाथ का डोर। दूसरे एंगल से दिखा दूं सामने डोर जहां से हम एंटर हुए। और ये इसका सीलिंग डिजाइन, बहुत ही प्यारा सीलिंग डिजाइन है। तो फ्रेंड, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। तो आखिर में मैं आपको इसका अटैच बाथ दिखा देता हूँ। ये इसकी वेंटी आ जाती है, उसके साथ ये कमोड और ये शावर एरिया। इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।